तैयारी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, जुब्बा पहन लिया है, ऊपर रुमाल। ठीक है। अंबर मदीना ऐसे जी, ये खजूर ये वाली एक क्वालिटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शेफ रिजवान। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मदीनुल मुनव्वरा में तीसरा दिन है और यहाँ पे आज तीसरे दिन जुम्मतुल मुबारक हम अदा करेंगे। आज जुम्मे का दिन है, जुम्मा अदा करेंगे मस्जिद नबवी में अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं बहुत खुश हूँ और कुछ स्पेशल करके हम जुम्मा जो है ना वो अदा करेंगे मस्जिद नबवी में। वो स्पेशल क्या होगा हम आपसे शेयर करेंगे, आप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह साथ रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे की तैयारी के लिए जुब्बा लेने के लिए आए हुए हैं मार्केट में, जिसको तोप भी कहा जाता है अरबी में, जुब्बा भी कहा जाता है। तो वो हम यहाँ परचेज़ कर रहे हैं, अली का भी, रामिश का भी, अपना भी। मुकम्मल तैयारी करेंगे, यहाँ का ड्रेस डालेंगे, ऊपर रुमाल डालेंगे और ऊपर वो जो रिंग डालते हैं शहजादे वो डालेंगे। हाँ जी, फिर उसके बाद जुम्मे की अदायगी करेंगे माशाल्लाह से। आप यहाँ देखते हैं कि कौन सा हमें जुब्बा तोप पसंद आता है। ये जुब्बा तोप इसको कहा जाता है, ये मुकम्मल एक ड्रेस होता है पाँव तक लांग, इस तरीके से होता है। जो हमने यहाँ से गिफ्ट वगैरह लेके जाने हैं अपने दोस्तों के लिए, चाहने वालों के लिए, वो भी यहाँ से देख रहे हैं मुसल्लों की क्वालिटी, तस्वीरें वगैरह किस तरीके से के होने चाहिए। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें यहाँ से हम परचेज़ करेंगे और खजूर परचेज़ करेंगे मदीना से अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से होटल से निकलते ही जो सबसे ख़ास बात है हमारे होटल की रिहाइश की, चार कदम पे मदीना के गेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। और यहाँ से हम मदीना के शहर से परचेजिंग करेंगे ड्रेस की, जुब्बे की, तोप की, फिर आपको दिखाएंगे। देखो यार कौन सा तोप अच्छा है, कलर कौन सा होना चाहिए अली, व्हाइट होना चाहिए या ये ब्राउन होना चाहिए? थोड़ा डिफरेंट कलर ले, थोड़ा डिफरेंट कलर आप देखने कौन सा अच्छा लगेगा? मुझे वो वाला अच्छा लगा, वो कलर, वो कलर, ये वो देखो या फिर ये कलर, ये कलर भी चला। आप दोनों में से डिसाइड कर लो फिर रेट बहुत ज्यादा है यहां पे, बहुत ज्यादा है, शोरूम की बहुत सारी शॉप्स हैं, सारा हरम भरा हुआ है बाबा। देखते हैं ना जो जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं तो वो हम इंशाल्लाह लेते रहेंगे, क्या कहते हैं आप? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह। तस्वीरें यहाँ पे कुरान शरीफ हैं, हर क्वालिटी की, हर कलर की तस्वीर अल्हम्दुलिल्लाह, और मुख्तलिफ सामान हैं, टोपी हैं, पर्स हैं, डेकोरेशन पीस हैं। माशाल्लाह जी ये जुब्बा जो हमने ट्राई किया है इस तरीके से, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शुक्रिया। अब ये देखें कलर डिसाइड करना है, साइज डिसाइड करना है। रामिश कहता है कि ये कॉलर वाला होना चाहिए, मैं कहता हूँ कॉलर वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर से फिर दोबारा रुमाल ले लेना है हमने। रुमाल है, रुमाल दिखाओ, दिखाओ रुमाल, रुमाल वाइट, नो रेड, यस रेड रेड, हाउ मच, कौन सा? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ने एक ही कलर के जुब्बे जो है ना वो परचेज़ कर लिए हैं, प्लस रुमाल परचेज़ कर लिए हैं। ऊपर जो इसके ऊपर वो बांधा जाता है रुमाल के ऊपर रिंग, वो यहाँ से नहीं मिला, वो हम साथ वाली शॉप से परचेज़ करते हैं, यहाँ पे पेमेंट करके इनको क्लियर करते हैं। तैयारी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह, जुब्बा पहन लिया है, ऊपर रुमाल ले लिया है, ये रिंग पहन लिया है। कैसे लगी आपको हमारी तैयारी आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद नबवी में जुम्मा अदा करेंगे, वो सुकून आने वाला है, आप मेरे साथ रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी
इसको कहा जाता है और यहाँ पे नफल अदा की हैं, दुआ की है और ये सामने मिंबर रसूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे आका खुतबा दिया करते थे। रियाज़ उल जन्ना के बाहर हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। असर के फौरन बाद रियाज़ उल जन्ना को खोला जाएगा और वहाँ पे हम ज़ियारत करेंगे, नफल अदा करेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं आप रियाज़ उल जन्ना है, ये इस साइड पे रोज़ा रसूल है, इस साइड पे रियाज़ उल जन्ना है, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर ठहर के इसलिए आपसे मुखातिब हूँ कि पता नहीं उस टाइम पर अंदर वीडियो बनाने दें ना बनाने दें, क्या सीन हो, इसलिए मैं आपको यहीं पर बता दूँ। वहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करेंगे और नफल अदा करेंगे। यहाँ पे आ गए थे मार्केट में, हमारे एक दोस्त थे चाने वाले, उन्होंने कहा था कि यहाँ से आपने खजूर परचेज करनी है जो अपने दोस्तों को गिफ्ट करनी है, तो यहाँ पे खजूर देखने के लिए आए हुए हैं। खजूर की ये वैरायटी मौजूद है, क्या नाम बताया आपने इसका? इसका अंबर नाम है, अंबर मदीना ऐसे जी। ये खजूर ये वाली एक क्वालिटी मबरूम है, ये दूसरी क्वालिटी और अजवा इधर करना, अजवा को अजवा और ये अजवा है। यहाँ से अब हम परचेजिंग कर रहे हैं और ओलिव ऑयल जो सऊदी अरब का मखसूस स्पेशल ये वाला, ये भी परचेज करेंगे और जो चीज़ें मज़ीद हमें अच्छी लगेंगी समझ आएंगी दोस्तों के लिए, मुसल्ले तस्बीह वगैरह जो कुछ भी वो अल्हम्दुलिल्लाह से परचेज करेंगे, ये काम मदीने से कंप्लीट करेंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बात करवाता हूँ बाबा जी से, ये लें बात करें। जो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व रहमतुल्लाह, बिस्मिल्लाह, कैसे आप? ठीक हैं? शुक्र शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ठीक ठाक। बाबा जी आपकी मैंने बहुत वीडियो देखी है, मतलब कोई आपकी वीडियो ऐसी नहीं जो मैंने मिस की हो। आपकी आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है, हम यहाँ पे आए हुए हैं आपके कहने से खजूरें लेने के लिए भाई के पास। हमने ले ली हमने, रामेश ने बोला था आपका भी कॉल आई थी आपकी, तो हमने परचेज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, खुशी हुई, ठीक है। मैं पब्लिक प्रॉपर्टी हूँ, आप किसी भी टाइम मुझे तंग कर सकते हैं, मैं सादा सा बंदा हूँ आपके सामने। नहीं, 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 नहीं। आप हुक्म करें, कोई बात नहीं, आप लोग मेरा सरमाया है मेरे भाई, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों ने जिसने सपोर्ट की, जिसने दुआएं की, आज मैं इस मकाम पे हूँ, यहाँ पे आया हूँ। ये चीज़ें जो है ना पैकिंग वाली इनके रेट फिक्स होते हैं, कंपनी चीज़ें होती हैं। चलें फिर भी अगर कुछ हो सकता है तो हमारे लिए करते जाएगा, ये एक रियाल और कम हो जाएगा, बाकी इसमें करते नहीं है।
मार्जिन कम होता है इसमें, रियाल रियाल क्या प्राइस है इसकी? 25,000 ठीक है, ठीक है बाल साहब। इसमें दो देने, इसमें क्या आप कंसेशन करें? ठीक है, ये 90 रियाल बनते हैं, 85 रियाल ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। उस्ताद है ना? अच्छा, आप जानते थे ना मुझे, इसीलिए मसला ये बना हुआ। वो भी जानते हैं। अरे भाई रे, आपने जो दाल बताई है मैंने बनाई है यार, यकीन कर बड़ी बात कर दी। आपने कहा था वो छुरियों की रेसिपी बताऊंगा, वो सात साल भाई बड़े भाई ये रेसिपी आपने कहा बताया ना मुझे, ये आप जो लाइन में जाना वो बड़ी माशाल्लाह, जो आप इस्तेमाल करते ना मजा भी आता है सुनने में, वो टाइम उधर पता नहीं चलता टाइम उधर। मुझे नहीं पता था आप लोग कैसे लोग मिलेंगे, मौतें करेंगे, मुझे कहीं से खाना आ रहा है, कहीं से पानी आ रहा है, कहीं कोई कुछ दोस्त भेज रहा है, मुझे जानता ही नहीं हूँ किसी को। लेकिन देखो ये आप लोगों की मौतें हैं, आप लोग सरमाया है मेरा देखने वाले जो, आप लोग दुआएं करते हैं। बहुत मौके दिए हैं मदीना के लोग ही ऐसे हैं। नहीं आपके मेहरबानी, नहीं सर आपके खजूरे हैं, ये कौन सी खजूर है? ये सुखरी खजूर है, सुखरी जी। और ये अंबर है राजवा, अंबर सब चाह के दूसरी मरत मिल गया यहाँ, बिल्कुल ये सारा क्रेडिट वो शहर भी जाता जिन्होंने मोर्चा लगाया होगा। लाहौर जी जी ये व्हाट्सएप पे किसी भी व्हाट्सएप पे जी इंशाल्लाह। और मदीना पास से हमको चीज मंगवानी हो तो जनाब जी जरूर इंशाल्लाह आप अगली चीज पहुंचा रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह जी, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ताई सर ठीक है जी, आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। रियाजुल जन्ना में आखिर चार तीन दिन बाद कितने थकने के बावजूद बात, तीन दिन हो गए, तीन दिन के बाद आज टाइम लगा है या बारी आई ऐसे समझ लें। और ये पीछे बिल्कुल बाबा जी के रोज़ा रसूल, अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना में दाखिल होने लगे हैं। रियाजुल जन्ना जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है ये, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। रियाजु जन्ना से में दाखिल होने के बाद दुआ मांगी, कशकोल बनाया हाथों का, कटोरा बनाया, अल्लाह ताला से भीख मांगी,
तमाम उम्मत मुसलमान के लिए जो लोग मुझे देख रहे हैं जहाँ तक आवाज़ मेरी जा रही है सब लोगों के लिए कशकोल बना के दुआ मांगी। वहाँ पे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा, वो माहौल ऐसा नहीं था, ज़ारो कतार रो रहे थे, अल्लाह ताला से मांग रहे थे, एक हुए पड़े थे, गल समझ आ रही है। और आप लोगों से ये चीज़ शेयर करने का मकसद कोई लाइक लेना या कोई व्यूज़ लेना नहीं है, आप लोगों से खुशी शेयर करना है। आज मैं जिस मकाम पे हूँ, मेरी फैमिली जिस मकाम पे है, ये आप लोगों की वजह से है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी खुशी में खुश रहें। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों के लिए बहुत सारी मेरी दुआएं हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।